हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। इट्स योर मैथमेटिक्स क्लास। इन माय प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड द टॉपिक लार्ज नंबर्स, हाउ टू रीड एंड राइट द लार्ज नंबर्स, एंड आल्सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल हैव डन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट। किसी अंक का स्थानीय मान, किसी नंबर में किसी अंक का स्थानीय मान। एवरी डिजिट इन ए न्यूमरल हैज टू वैल्यूज। किसी भी नंबर में किसी अंक के दो तरह से मान होते हैं। फर्स्ट इज फेस वैल्यू, वो जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और वो कौन से प्लेस पे है इसके अकॉर्डिंग जो हम नंबर निकालते हैं वो होता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस, वो कौन से पोजीशन पे है। चलिए वी विल टेक एनी एग्जांपल। दिस सपोज दैट हमें ये एक नंबर है जिसमें हमें किसी भी एक नंबर का, सपोज फाइव का, हमें इस फाइव का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू कभी भी फेस वैल्यू वही होती है जो ये डिजिट होता है। तो यही फेस वैल्यू है, जो डिजिट है वही क्या है, फेस वैल्यू है। अब हम प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको फेस वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, प्लेस ऑफ द डिजिट, वो कौन से प्लेस पे है। तो पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वंस प्लेस है, टेंस, थाउजेंड, ये टेन थाउजेंड कौन सा प्लेस है, टेन थाउजेंड, हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू और उस पोजीशन, वो उस प्लेस का मल्टीप्लाई, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी कि हम वन थाउजेंड से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, फाइव थाउजेंड। इसी के अकॉर्डिंग अदर कोई भी नंबर, इसी नंबर में हम कोई भी डिजिट लेते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो हमें, तो पहले हम फेस वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी फेस वैल्यू तो टू है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़। तो वन करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, वन करोड़ में कितने जीरोज़ होंगे, इस नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ होंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन ज़ीरोज़। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो टू करोड़ इसका प्लेस वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम वंस प्लेस की बात करें तो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालना है तो वंस प्लेस पे ये जो फेस वैल्यू क्या है, एट है। एट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वंस प्लेस पे है इसलिए हम इसकी इसका मल्टीप्लाई वन से करेंगे, सो इसकी प्लेस वैल्यू भी एट ही होगी। और किसी नंबर में अगर ज़ीरो होता है तो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही होती है। किसी नंबर का प्लेस वैल्यू नहीं होता है, किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है। किसी नंबर में किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है, ना कि उस नंबर का। यू कैन सी हियर, नंबर्स डू नॉट हैव प्लेस वैल्यूज, द डिजिट्स इन ए नंबर हैव प्लेस वैल्यू। ईच प्लेस इन ए नंबरल हैज़ टेन टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑन इट्स राइट साइड। हर प्लेस अपने बाद वाले का, अपने पीछे वाले प्लेस का दस गुना होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो एट एनी प्लेस इज ऑलवेज ज़ीरो। किसी भी प्लेस पे अगर ज़ीरो डिजिट है तो वो हमेशा उसका प्लेस वैल्यू भी ज़ीरो होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न हाउ टू राइट एनी नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उसको कैसे राइट करेंगे, कोई एक नंबर जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर आप किसी इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म का ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 से कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इन नंबर्स को, तो किसी भी एक को लीजिए,
एज फॉर गिवन इन द एग्जाम्पल वी विल राइट इट इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सो पुट कॉमास. अब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे है. तो ये वंस है, टेंस है, थाउजेंड है. तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, हम स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं. तो ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़. यानी कि ये कितने करोड़ हैं, वन करोड़, टेन करोड़, टेन करोड़ प्लस एट करोड़ प्लस सेवेंटी लाख प्लस टू लाख प्लस फिफ्टी, ये टेन थाउजेंड है तो ये फिफ्टी थाउजेंड होगा. फिफ्टी थाउजेंड प्लस सेवन थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी टू टेंस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, टू टेंस प्लस एट वंस. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए. वैसे टेन करोड़ में तो कितने जीरोस होंगे, वन वन लिखिए, उसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जीरोस होंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जीरोस प्लस एट के बाद जितने डिजिट हैं इसमें एट उतने जीरोस लगा देंगे. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन जीरोस. वन लेस करते जाइए और लिखते जाइए. ये सेवेंटी लाख है तो सेवन के बाद सिक्स जीरोस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस टू के बाद फाइव जीरोस, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव प्लस फाइव के बाद वन टू थ्री फोर जीरोस, वन टू थ्री फोर जीरोस प्लस सेवन के बाद वन टू थ्री जीरोस, वन टू थ्री प्लस थ्री के बाद टू जीरोस प्लस ये ट्वेंटी प्लस एट. सो इट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर. सो यू कैन राइट द लार्ज नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2 इजिली. मैच द फॉलोइंग अंडरलाइंड डिजिट्स टू देयर प्लेस वैल्यूज. अंडरलाइन जिस डिजिट पे अंडरलाइन है उसका प्लेस वैल्यू लिखना होता है. तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, लैख प्लेस पे है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एट लैख. एट लैख से इसको मैच किया है. ऐसे ही ये यहाँ पे एट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ये एट्टी लैख होगा. टेन लैख है तो टेन से एट में मल्टीप्लाई करें, एट्टी लैख. एट्टी लैख से इसको मैच कर देंगे. देखिए किसमें सिक्स जीरोज हैं, टू 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 टू, ये एट्टी लैख है, इससे हम इसको मैच कर देंगे. ऐसे ही आप सेम प्रोसेस से पूरा मैच करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. वन मिलियन कितने थाउजेंड्स के इक्वल होता है ये फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, वन मिलियन को हम नंबर्स में ऐसे राइट करेंगे. फिर हमें इसे थाउजेंड में बताना है कि कितने थाउजेंड हैं इसमें. तो थाउजेंड आप देख सकते हैं थ्री जीरोज होते हैं, उसके आगे वन थाउजेंड है.
तो 1000 थाउजेंड सेंस में कितने थाउजेंड्स हैं, 1000 थाउजेंड्स। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने, 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, तो आप 1 मिलियन यहाँ पे राइट करोगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू ऐसे ही सेम राइट करोगे। अब आप काउंट करके देखोगे इंडियन सिस्टम में, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, इसको आप इंडियन सिस्टम में एक बार कन्वर्ट कर लो। अब आप इजीली देख सकते हो कि कितने लैक्स हैं, 10 लैक, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, 10 लैक, कितने लैक्स हैं, 10 लैक्स, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, 10। ऐसे ही 1 करोड़ में कितने मिलियंस हैं, तो पहले हम 1 करोड़ यहाँ पे राइट करेंगे, 1 करोड़ में कितने जीरोज़ होते हैं, यहाँ पे काउंट करते हुए लिखते जाइए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 10 लैक करोड़, तो करोड़ प्लेस पे 1 लिख देंगे, तो ये 1 करोड़ है, इसमें कितने मिलियंस हमें ये बताना है, तो मिलियंस में हम उसको मीन्स बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे, तो 3 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा पुट करोगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन 10 मिलियन, कितने मिलियंस हैं, 10 मिलियंस, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 10। ऐसे ही इसे 1 करोड़ को कितने थाउजेंड्स हैं ये बताएंगे, 1 करोड़ में कितने लैक्स हैं ये बताएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस डू योरसेल्फ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सभी नंबर्स में प्लेस वैल्यू बताने हैं 5 के, तो 5 यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है ये बताना है, तो आप नंबर राइट करेंगे उसके ऊपर प्लेस का नाम लिखेंगे, और जैसे कि मैंने इसमें बताया था एरो लगा के, ऐसे ही आप एरो लगा के उसकी प्लेस वैल्यू राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का एक एग्जांपल भी ये वाला बता चुकी हूँ मैं, तो डू योरसेल्फ, एंड इसको कंपैक्ट करना है, इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको नंबर्स में कंपैक्ट करना है, छोटा करके लिखना है, तो आप इसको ऐड करके यहाँ पे इज इक्वल टू करके राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डू एक्सरसाइज 1.2 एंड द मिसलेनियस एक्सरसाइज योरसेल्फ एट होम, इट इज़ योर होमवर्क, वी ऑल हैव स्टडीड ईच टॉपिक, सो आई थिंक यू ऑल विल सॉल्व ईजीली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।